गुड मॉर्निंग यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में ट्वेल्थ क्लास के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत है। और अपन चर्चा कर रहे थे जो हमारी राजनीति विज्ञान के अंदर तीसरा अध्याय है, धर्म की अवधारणा, जिसके बारे में हमने कल धर्म के पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की, धर्म के अर्थ के बारे में हमने चर्चा की और भारतीय जो अवधारणा है उसके अनुसार धर्म से क्या अर्थ है उसके बारे में हमने चर्चा की। धर्म का सर्वप्रथम कहाँ उदय हुआ, पूर्वी संस्कृति में, उसके बारे में हमने चर्चा की। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की है, धर्म का क्या अर्थ बताया है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है, इसके बारे में आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। पहला है धर्म और धर्म निरपेक्षता, धर्म और धर्म निरपेक्षता। देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ है वो पाश्चात्य संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है, पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता से अलग है। भारत का धर्म की अवधारणा और पाश्चात्य संस्कृति की धर्म की अवधारणा अलग अलग है। भारतीय धर्म निरपेक्षता का अर्थ है बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई इतनी सोचने समझने वाली बात नहीं है। भारतीय धर्म निरपेक्षता का अर्थ हो चाहे धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, आपको बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है वो ध्यान में रखनी है। वो क्या है, किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ भेदभाव न हो। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृतियों के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि धर्म निरपेक्षता से क्या अर्थ बताया है, किसी भी धर्म को चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैनी, कोई सा भी धर्म को मानने वाला हो उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सभी धर्मों को भारत या राज्य समान दृष्टि से देखा जाए, इस अवधारणा को हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है कि किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ में कोई भी धर्म मानता हो उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सभी धर्मों का समान आदर किया जाए, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता। क्योंकि भारत का अपना कोई पर्टिकुलर या विशेष धर्म नहीं है, भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य है जो सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखता है, किसी धर्म विशेष को विशेष महत्व नहीं देता है, सभी धर्मों के लोगों का समान भाव से आदर करता है, किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता से, भारतीय धर्म निरपेक्षता से क्या अर्थ है, किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ भेदभाव न हो और सभी धर्मों को
और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, सभी धर्मों को समान दृष्टि से, समान दृष्टि से देखा जावे, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जावे। इसको ये क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है कि किसी भी धर्म को विशेष महत्व न देना, किसी भी धर्म के साथ में भेदभाव न करना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता। ये है भारतीय धर्म निरपेक्षता का अर्थ। चाहे भारतीय धर्म निरपेक्षता का अर्थ पूछ ले, चाहे धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, कि तो आपको यही उत्तर देना है, किसी राज्य का विशेष धर्म न होना, राज्य के द्वारा सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की जो धारणा है, उसी को हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता। अब अगला इसी में टॉपिक है, ये तो हो गया धर्म और धर्म निरपेक्षता। अब आता है धर्म और नैतिकता के मध्य क्या संबंध है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धर्म और नैतिकता के अंतर संबंध बताइए, धर्म और नैतिकता, धर्म और नैतिकता में संबंध। देखो धर्म और नैतिकता के अंदर संबंध, धर्म ही नैतिकता है, नैतिकता ही धर्म है। नैतिकता से क्या तात्पर्य, सद्गुणों ही क्या कहलाते हैं, जो सद्गुण है, दया है, स्नेह है, परोपकार है, इस प्रकार के अहिंसा है, ये सारे क्या है, सत्य है, परोपकार, ये सारी बातें क्या है, नैतिकता। क्या है, सदाचरण क्या है, नैतिकता। और नैतिकता ही क्या है, धर्म, धर्म ही क्या है, नैतिकता। यदि धर्म के अंदर नैतिकता का समावेश हो जाए, जो नैतिकता के गुण है वही क्या कहलाते हैं, धर्म कहलाते। देखो धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है, धर्म का मूल लक्ष्य, धर्म का मूल उद्देश्य क्या है भाई, मानव मात्र की सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना, मनुष्य मात्र की या प्राणी जगत की सेवा करना ही क्या है, धर्म का मूल उद्देश्य है। धर्म अच्छे आचरण, करुणा, अहिंसा, इन पे बल देता है। बल किसके ऊपर देता है जोर, धर्म अच्छे आचरण पे, करुणा पे, अहिंसा पे बल देता है। सभी धर्मों में यही भावना मौजूद है, कोई सा भी धर्म, चाहे इस्लाम ले लो, चाहे हिंदू ले लो, चाहे बौद्ध ले लो, चाहे सिख ले लो, चाहे जैनी ले लो, चाहे पारसी ले लो, चाहे यहूदी ले लो, सभी धर्मों के अंदर यही बात कही गई है। क्या बात, अच्छा आचरणों पे जोर दिया गया है, करुणा पे जोर दिया गया है, परोपकार पे जोर दिया गया है, अहिंसा पे बल दिया गया है सभी के अंदर। धर्म बुराइयों से दूर रहने व सदाचरण के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म क्या करता है, बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा देता है। धर्म अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देता है, कौन, धर्म। धर्म का काम भलाई करना है, धर्म का क्या काम है भाई, भलाई करना है। धर्म और राजनीति का मिलन मानवीय कल्याण में सहायक है। धर्म और राजनीति जब एक जगह मिल जाए तो क्या है, मनुष्य का कल्याण होगा। यदि जिस राजनीति के अंदर धर्म समाविष्ट हो गया तो वो राजनीति कैसी होगी, जन कल्याणकारी होगी। धर्म में नैतिक दायित्वों के भौतिक गुणों, मानव के संबंधों व मनुष्य व जानवरों के व्यवहार को भी अंतर्निहित किया गया है। धर्म के अंदर नैतिक दायित्व, नैतिक जो कर्तव्य हैं, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और सदाचरण करना, परोपकार की भावना होना, ये दयालुता, ये सभी के सभी क्या है, नैतिक गुण है। और ये नैतिक गुण जब धर्म में समाविष्ट हो जाए तो क्या होता है, इससे मनुष्य और जानवरों में संबंध बनते हैं। विभिन्न धर्मों का ज्ञान व मूल्यों का आदान प्रदान अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
तो इसमें विभिन्न धर्मों का ज्ञान और मूल्यों का आदान प्रदान करना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। धर्म की स्थिति वह प्रतिष्ठा लोकतंत्र और विज्ञान के समतुल्य, धर्म की जो स्थिति है और जो प्रतिष्ठा है किसके समान है, लोकतंत्र और विज्ञान के समतुल्य है, एक तरह से लोकतंत्रीय है। यदि कोई धर्म की स्थापना का दावा करता है तो उसे सार्वभौमिक ग्राह्यता और प्रयोज्यता स्थापित करनी पड़ेगी। यदि कोई धर्म स्थापित करना पड़ता है, धर्म का दावा करता है, कोई धर्म की स्थापना का दावा करता है तो उसे सार्वभौमिकता, सब कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ प्रयोग स्थापित करने, प्रयोज्यता प्रयोग में लानी पड़ेगी। धर्म सभी धर्म उपयोगी है, कोई भी धर्म अनुपयोगी नहीं, सभी धर्म उपयोगी हैं। जब अन्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करता है, और अन्य धर्म क्या है, सच्चा धर्म वही है जो अन्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करे, लोगों में एकता की भावना बढ़ाए। जो धर्म दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों का तिरस्कार करता है, अन्य धर्मों विश्वासों प्रथाओं और रीति रिवाजों से घृणा की दृष्टि से देखता है, कोई व्यक्ति कोई एक धर्म दूसरे धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता है तो ऐसा धर्म कभी भी सत्य धर्म या सार्वभौमिक धर्म नहीं हो सकता है। धर्म वही श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता हो। नैतिकता के मैंने गुण बताई दिए थे आपको, जिसमें सत्य है, जिसमें दयालुता का भाव पाया जाता है, जिसमें परोपकारिता का भाव पाया जाता है, जिसमें मानव मात्र की सेवा का भाव पाया जाता है, ये सारे क्या हैं, नैतिकता के गुण हैं। और ये जब नैतिकता जब धर्म में समाविष्ट हो जाएगी तो वो धर्म क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ धर्म है। तो वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर पूरा खरा उतरता हो, मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयास करता है। नैतिक सत्य सभी धर्मों में जो नैतिकता के जो गुण हैं, चाहे वो सत्य है, प्रेम है, करुणा है, दया का संदेश देता है, कौन, नैतिकता। और यही धर्म के भी गुण है, यही नैतिकता के गुण है। अतः सभी धर्मों के समान मूल्यों से ही विश्व में श्रेष्ठ राज्य की स्थापना संभव है। इस प्रकार नैतिकता के नियमों का धारण करना ही धर्म का प्रतीक है। जिस धर्म ने नैतिकता के गुणों को धारण कर लिया है वही धर्म श्रेष्ठ। तो धर्म और नैतिकता के अंदर देखिए, धर्म का मूल लक्ष्य क्या है, मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म अच्छा आचरण करुणा हिंसा पर बल देता है। धर्म अच्छे आचरण करुणा, धर्म अच्छे आचरण, धर्म अच्छे आचरण करुणा अहिंसा पर बल देता है, अहिंसा पर बल देता है। ये बिंदु बना देता हूं मैं, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। सभी धर्म बुराइयों से दूर रहने, धर्म बुराइयों से दूर रहने, धर्म बुराइयों से दूर रहने, बुराइयों से दूर रहने वह सदाचरण पर मार्ग, वह सदाचरण मार्ग पर, सदाचरण मार्ग पर, सदाचरण मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। शिक्षा देता है। धर्म का काम भलाई करना है, धर्म का काम भलाई करना है। धर्म और राजनीति का मिलन, धर्म और
राजनीति का धर्म और राजनीति का मिलन मानवीय कल्याण में मानवीय कल्याण में मानवीय कल्याण में सहायक है। धर्म में नैतिक दायित्वों के भौतिक गुणों मानव के संबंधों और मनुष्य और जानवरों के व्यवहार को भी माना गया। विभिन्न धर्मों का ज्ञान मूल्यों का आदान प्रदान अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। धर्म की स्थिति और प्रतिष्ठा लोकतंत्र और विज्ञान के समतुल्य है। धर्म की स्थिति धर्म की स्थिति व प्रतिष्ठा धर्म की स्थिति व प्रतिष्ठा लोकतंत्र और विज्ञान के समतुल्य है। लोकतंत्र व विज्ञान के समतुल्य है। जो धर्म दूसरों की निंदा आलोचना तिरस्कार करता है, अन्य धर्मों के विश्वास प्रथाओं रीति रिवाजों से गणना करता है, तो ऐसा धर्म कभी भी सत्य या सार्वभौम धर्म नहीं हो सकता है। जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा या घृणा करता है वह सार्वभौमिक। जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा या घृणा करता है वह सार्वभौमिक धर्म नहीं हो सकता। फिर है वही धर्म श्रेष्ठ जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता है। वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता है। वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता है, मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयास करता है, मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयास करता है। नैतिक सत्य सभी धर्मों में नैतिक सत्य सभी धर्मों में नैतिक जो सत्य है नैतिकता है सभी धर्मों में प्रेम करुणा व दया का संदेश देता है। क्या नैतिकता सभी धर्मों में प्रेम करुणा व दया का संदेश देता है। नैतिकता के नियमों को धारण करना ही धर्म का प्रतीक है। नैतिकता के नियमों को धारण
नैतिकता के नियमों को, नैतिकता के नियमों को धारण करना ही, धारण करना ही धर्म का प्रतीक है। तो इस प्रकार से धर्म और नैतिकता को हम कह सकते हैं कि धर्म ही नैतिकता और नैतिकता ही धर्म है। तो इस प्रकार से एक बार पुनः कि धर्म और नैतिकता में संबंध किस प्रकार से हुए, नैतिकता ही धर्म है, धर्म ही नैतिकता है, एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है, तो मानव मात्र की सेवा करना ही क्या है, अपने आप में प्राणी जगत के प्रति दया का भाव रखना ही क्या है, नैतिकता है। और धर्म अच्छे आचरण पर जोर देता है, नैतिकता भी अच्छे आचरण के ऊपर जोर देती है। और करुणा दया का, नैतिकता का भी गुण है, करुणा ही धर्म का भी है। अहिंसा नैतिकता है और अहिंसा ही धर्म है। धर्म बुराइयों को दूर रहने व सदाचरण पर मार्ग चलने की क्या देता है, शिक्षा देता है, कौन, धर्म। नैतिकता भी क्या करती है, नैतिकता भी हमारे को यही, नैतिकता का भी गुण यही है कि वह बुराइयों से दूर रहे और अच्छे मार्ग पर चलने का संकेत देती है, कौन, नैतिकता। धर्म का काम भलाई करना है, नैतिकता के अंदर भी वही गुण मौजूद हैं, अच्छे सदाचरण के गुण मौजूद हैं। धर्म और राजनीति का मिलन मानवीय कल्याण में सहायक है। धर्म की स्थिति पर प्रतिष्ठा लोकतंत्र विज्ञान के समान है। जो धर्म दूसरों की गणना, दूसरे धर्मों से निंदा करता है, गणना करता है, तो वह सार्वधर्मिक धर्म नहीं हो सकता है, सार्वभौमिक धर्म नहीं कह सकते हैं उसको। वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरता है, जिसमें नैतिकता के गुण मौजूद हैं, जिस धर्म के अंदर है वही धर्म क्या है, श्रेष्ठ है। और मानव कल्याण के लिए सदैव प्रयास रहता है, वही धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि नैतिकता भी मानव के गुणों, मानव कल्याण के गुणों की ओर आकर्षित करती है। नैतिकता सत्य, जो नैतिकता होती है वो सत्य प्रेम करुणा दया का संदेश देती है, नैतिकता, यही धर्म के भी गुण हैं। और नैतिकता के नियमों को धारण करना ही धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नैतिकता और धर्म एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। कल हम जो चर्चा करेंगे धर्म और राजनीति के अंदर, आज हमने चर्चा की धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है, कल चर्चा करेंगे धर्म और नैतिकता के, जो धर्म और राजनीति, सॉरी, धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।